बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 138 केंद्रों पर 17,547 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,643 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 13,905 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक 37,08,000 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो लोग अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं, वे अपने नजदीकी केंद्रों पर जाकर टीका लगवा लें, जिससे अपने जनपद को कोरोना से मुक्त रखा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, 181 तो उसमें जाओ आज हमारे जनपद 138 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें से 37,08,000 से ज़्यादा हमने टोटल डोज लगा चुके हैं और 24,56,000 प्रथम डोज है और 12,51,000 सेकेंड डोज है। जनता से हमारी अपील है कि अभी भी बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन से छूटे हुए हैं, करीब 9,00,000 प्रथम डोज ही नहीं लिए हुए हैं, उसमें से गर्भवती महिलाओं ने भी प्रथम डोज ना लिया है, तो हमें अपील है कि गर्भवती महिलाएं हो गई, लैक्टेटिंग वुमेंस हो गई, जिनको पहले रोका गया था कि इनको इंजेक्शन कोविड वैक्सीनेशन ना किया जाए, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसको बहुत ही सुरक्षित माना है और ज़रूरी समझा है कि गर्भवती महिलाओं को, लैक्टेटिंग वुमेंस को भी लगाया जाए, जिससे कि बच्चे को भी इम्यूनिटी मिल जाए और माँ को इम्यूनिटी मिल जाए, जिससे कोरोना से उनका संक्रमण रोका जा सके। तो हमें भी अपील है कि इन सभी तरह के लोग और जो भी छूटे हुए लोग हैं, वो सभी लोग हमारे केंद्रों पर आएँ। हमारे सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, लोग आएँ और इसका उपयोग करें और संक्रमण को दूर भगाएं।